हेलो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मिस्चीवियस किस लव इन टोक्यो, जो कि एक जापनीज़ ड्रामा है और मैं इसे एपिसोड बाय एपिसोड आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ इसे आप देखना, प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इस ड्रामा के मेन कास्ट से मैं आपको मिला देती हूँ। ये है हीरो जिसका नाम होता है इस ड्रामा में नायोमी ईरी, ये होती है हीरोइन जिसका नाम होता है कोतोको आईहरा, और ये होता है सेकेंडली जिसका नाम होता है किनोसुके इरेजावा अका किनचान। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है जो कि लिख रही है लव लेटर, और ये जाहिर सी बात है कि हीरोइन है जिसका नाम है कोतोको। तो वो उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर जाके एक टूटते हुए तारे से विश मांगती है कि मेरा जो प्यार है वो मुझे कल मिल जाए, क्योंकि वो जो लेटर लिख रही थी वो अपने हीरो के लिए लिख रही थी, मतलब अपने प्यार के लिए लिख रही थी, यानी ईरिए के लिए लिख रही थी। अब ये उसे छुप के देखने लगती है कि अब वो अपनी क्लास से बाहर निकलेगा और मैं जाके उसे अपना लव लेटर दे दूँगी, तभी उसे ईरिए दिख जाता है। तो वो उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसके बाद अब अपने दिमाग में ये पूरा बैठा लेती है कि मुझे जाना है, हिम्मत कलेक्ट करती है और इसे उस वक्त के बारे में ये सोचती है जब उसने उसे पहली बार देखा था, जो कि होता है उसका स्कूल फंक्शन जहाँ पे उसने स्पीच दिया था, और तब से वो उसकी फ़ैन हो गई। फिर उसका 2 साल तक उसने पीछा किया और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब वो जाके उसे कहने वाली है आई लव यू ईरिए कुन। तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जाके फाइनली उसे दे देती है वो लव लेटर कि आई लव यू। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा करता है ईरिए जिसके बाद इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसका लेटर लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ये वैसे ही 2 मिनट तक फ्रीज रहती है और फिर ये पीछे मुड़ के देखती है तो ये देखती है कि वो चला गया, उसने कुछ बोला तक नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब यह जब दूसरे दिन आती है अपने स्कूल, तब सारे जो बच्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि इसने उसे लव लेटर दिया और उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ये रोने लगती है और चिल्लाने भी लगती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी दोनों फ्रेंड वहां पे आई है जिनका नाम है, जिसने टोपी पहना उसका नाम है जिनको कोमोरी और दूसरी का नाम होता है सातोमी इशिकावा। वो बोलती है कि अरे तुम किसके पीछे पड़ी हो, तुम कहाँ स्कूल की सबसे डम लड़की हो और कहाँ वो स्कूल का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। हम जो क्लास में भी रहते हैं वो भी स्कूल का सबसे ख़राब क्लास है और वो सबसे ज़्यादा टॉप क्लास में रहता है, तो हम कैसे उसका पीछा कर सकते हैं, या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। जिसके बाद वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें तो लगता है सच में प्यार हो गया है यार। तो उसकी दोस्त बोलती है बिल्कुल, अब तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और तुम ज़रूर उसे हासिल कर लोगी। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है और ये बोलती है कि बिल्कुल मैं ये कर सकती हूँ, एक दिन मैं और ईरिए कुन साथ आएंगे, बिल्कुल साथ आएंगे। जिसके बाद ये सोचने लगती है कि क्या होगा अगर मैं उसका पीछा छोड़ दूंगी, और सारी लड़कियां जो हैं जो उसके पीछे पड़ी हैं हर वक्त उसे लव लेटर देती रहती हैं, हर वक्त उसे फंसाने की कोशिश करती रहती हैं, उनमें से किसी एक के साथ वो फंस जाएगा। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसके बाद वो क्लास में आ जाती है। जब वो क्लास में आती है तब भी सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब वो बैठ जाती है और बैठ के वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है किनोसुके। एक्चुअली में ये वही है जो कि सेकेंड लीड है और ये इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इसे वो बताता नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कुक भी होता है, इसीलिए इसे आज भी लॉलीपॉप बना के देता है और बोलता है कि बताओ कैसा है ये राइस लॉलीपॉप। तो वो खा के बोलती है बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं हमेशा ही उसका मूड सही करता है उसे अच्छा अच्छा खाना खिला के। और उसके बाद बोलती है कि अरे यार तुम लोग मेरे लिए क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद किनोसुके बोलता है कि हाँ तुम्हें ठीक होना चाहिए, चाहे वो ईरिए कुन हो या फिर कोई भी हो, तुम्हें अपसेट नहीं कर सकता है। जिसके बाद ये बाहर आके बैठ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने बैग में कुछ देख के हंसने लगती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है जिनको और सातोमी, और फिर वो लोग साथ में घर जाने की प्लान बनाते हैं। तभी उसे कोतोको बताती है कि तुम्हें पता है मेरे डैड ने एक नया घर लिया है और अब से वो हमारा घर है, वो बिल्कुल हमारा अपना है, क्योंकि वो मेरे डैड ने पूरा अपना खरीदा है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुश हो जाती हैं। अब दूसरे दिन जो होता है तो सारा सामान इन लोग का अंदर रखाने लगता है, तो किनोसुके अपने सारे फ्रेंड को लेके आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। और उसके बाद इसकी दोस्त बोलती है कि मुझे तो लगता है कि किनोसुके तुम्हें पसंद करता है। इसके बाद ये उसके बात को ध्यान नहीं देती है। अब हम देखते हैं कि गाड़ी जो होती है वो सारा सामान उतार देती है और फाइनली वो गाड़ी चली जाती है। इसका बाप खड़ा होकर बोलता है कि ये घर बनाना मेरा सपना था और तुम्हारी माँ का भी। जिसके बाद वो इमोशनल होकर रोने लगता है। जिसके बाद उसकी बेटी उसे समझाती कि कोई बात नहीं, और ये देखिए किनचान भी रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं हमेशा आपका और कोतो का ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी इन्हें पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जब यह देखते हैं तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर जब यह देखते हैं पीछे तो देखते हैं कि इनका पूरा घर नीचे गिर गया है। और ये चीज़
बिल्कुल कोतोको की आँख के सामने होता है, लेकिन कोतोको कुछ भी नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब इनका जो घर होता है वो न्यूज पे दिखाया जाता है कि ये घर इन लोगों ने आज ही लिया था और आज ही गिर गया। और इसके बाप को भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये घर मेरा सपना था, अब मेरे पास कोई जगह नहीं रहने के लिए। और उसके बाद ये कह के वो रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इसके बाप का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये लोग दोनों ठहरे हैं। और उसके बाद उसका बाप बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। जिसके बाद जो कोतोको होती है वो अपने बाप को संभालने की कोशिश करती है और उसे हंसाती है। इसके बाद दोनों बाप बेटी बैठ के हंसने लगते हैं बातें करते करते। लेकिन तभी उसका स्टाफ उन्हें बुलाता है और उसके बाद उस पर कॉल पर कोई होता है। दरअसल कॉल पे जो होता है वो कोतोको के पिता का बचपन का फ्रेंड होता है, जो कि बोलता है कि मैंने न्यूज़ में देखा यार तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम प्लीज़ मेरे घर पे अपनी बेटी को लेके आ जाओ और जब तक तुम्हारा घर नहीं होता है नया तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। जिसके बाद ये काफ़ी खुश हो जाता है। अब दूसरे दिन फिर से कोतोको आती है स्कूल, जिसके बाद यह देखती है कि किंचन जो वो पूरा बवाल किया हुआ है। और इसकी फ्रेंड ये उसे आके बताती कि तुम्हें पता है कि किंचन तुम्हारे लिए सबसे फंड मांगता फिर रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उसे ज़बरदस्ती भी वो कर रहा है। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि मैं इस किंचन का क्या करूँ, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। और फिर जाके बोलती कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वो रोने लगता है और वो बोलता है कि कोतोको मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वहाँ पे ईरिया आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा अब ऐसे लोग भीख मांगने लगे हैं क्या स्कूल में। जिसके बाद किनोसुके गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद यह बोलती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तुम्हें नहीं बोला था ये सब कुछ करने के लिए। जिसके बाद ईरिया हंसने लगता है और पैसा निकाल के इसे दे देता है। जिसके बाद वो जो होती है कोतोको वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि सुनो हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे मर भी जाऊँगी तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूँगी, तुम अपने आप को समझते क्या हो। हाँ, और उसे बहुत सारी बातें सुना देती है और बोलती है कि तुम्हें बस मजाक उड़ाना आता है ना सबके मजबूरी का, क्योंकि तुम अमीर हो तो क्या हुआ। लेकिन ये सब सुन के वो बस हंसता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसका जो साथी होता है उसे पैसा लौटा देता है, यानी कि किंचन का साथी उसे पैसा लौटा देता है। अब किंचन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उसे देख के कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कोतोको से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोतोको के साथ कोई बुरा करे तो। अब दूसरा दिन हो जाता है और ये लोग यहाँ पे आते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड के घर पे आ जाता है कोतोको को उसका बाप लेके। और उसके बाद बोलता है कि यही है मेरे फ्रेंड का घर। जिसके बाद ये जब नेम प्लेट देखती है तो देखती है कि ईरियस फैमिली लिखा होता है। जिसके बाद ये जो होती है इसका कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था, क्या ईरिये? फिर इसे लगता है कि हो सकता है कि शायद किसी और का घर होगा, जापान में सिर्फ एक ईरिये तो हो नहीं सकता। जिसके बाद फिर ये दोनों पिता एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। और वहाँ पर फिर कोतोको भी आ जाती है और वो उससे भी मिलते हैं। फिर वहाँ पे ईरिये की मॉम भी आ जाते हैं तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कोतोको को देख के। और ये सब अब घर में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे युकी ने मिलता है, यानी कि युकी ईरिये जो कि छोटा बेटा होता है इन लोगों का। लेकिन वह जब अंकल से बोलते हैं तो वो बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन जब वो कोतोको से बोलती है तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होता और वो बोलता है कि मैं स्टूपिड लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, वो बिल्कुल अपने भाई के जैसा होता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग सब बैठ के चाय वाय पी रहे हैं। तभी इसकी मॉम बोलती है कि कोतोको तुम कितनी प्यारी हो, जरा तुम बताओ तो तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। तो वो बोलती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। तब वो बोलती है कि अच्छा मेरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़ता है। बोलता कौन बेटा? मेरा बड़ा बेटा, वो आता ही होगा। तभी वो वहाँ पे आ जाता है उनका बड़ा बेटा। जिसके बाद ये उसे बुलाती है कि देखो यही है मेरा बड़ा बेटा ईरिये नायोमी। जिसके बाद जब यह देखती है कि वो वही है जिसको मैंने प्रपोज किया था, यानी कि मेन लीड हीरो, तो ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। और ये खड़ी हो जाती है, बोलती कि ओह नहीं मैंने क्या देख लिया। जिसके बाद इसका पाप बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। तो वो बोलती है कि अरे यार मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, सच में ईरिये को उनका ये घर है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद ये पूछता है कि आपका बेटा ये? तो वो बोलता है कि अरे हाँ मैं मोटा हूँ ना इसलिए तो मैं ऐसा बोल रही हूँ ना, लेकिन देखो मॉम कितनी अच्छी है, मेरा बेटा अपने मॉम पे गया है। जिसके बाद ये ठूस ठूस के खाती है और सोचती है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े जापान में मैं इसी के घर पर आकर लैंड होनी थी। नहीं तो अब कोतोको के पिता पूछते हैं कि अच्छा तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना। तो वो उस बात पे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो बस हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है कि ज़रूर कोतोको तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी ना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। उसी बात का योगी फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आज मैं अपने भाई से पूछने के बजाय तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। जिसके बाद इसकी हालत ख़राब हो जाती क्योंकि इसे आता जाता तो कुछ है नहीं। तब वो उसके पास आ जाता है और उससे एक जापनीज का क्वेश्चन पूछ देता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। और उसके बाद फिर वो उसे अलड़ बलड़ बताने लगती है कि देखो एक खरगोश है, उसके दो सींग हैं, अरे नहीं नहीं खरगोश के तो दो कान होते हैं और उसके कान ऐसे होते हैं। और फिर वो वैसे करके उसे नाच के दिखाने लगती है कि देखो कितना प्यारा खरगोश है, उसका मतलब यही होता है। तुम्हें समझ में आ गया ना युकी कि मैं तुम्हें बताऊँ? तो वो बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होता। और उसे जो होता है उसे पता होता है आंसर।
वो उसे खास करके टीज कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये बेवकूफ़ है। जिसके बाद इरियकुन जो होता है वो उस पर हंसने लगता है। फिर इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, वो उसे आता होगा, अभी थकी हुई है इसीलिए। फिर इसकी मॉम जो होती है उसे उसके रूम में लेके आती है और बोलती है देखो ये रूम कितना प्यारा है ना, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सजाया। जिसके बाद ये देखने लगती है और कुछ बोलती नहीं, तो वो बोलती लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं आया। जिसके बाद वो उसके पास आती है और वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मेरी बेटी नहीं थी, इसीलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, दो बेटे के बीच तो मैं फंस गई हूँ। तभी वो बोलती है मुझे भी मॉम की ज़रूरत थी। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोग टीम अप हैं। वहीं पे इरियकुन आ जाता है तभी, और उसके बाद वो बोलता है कि युकी का कुछ सामान यहाँ पे छूट गया है, क्योंकि ये कमरा जो था वो पहले युकी का था और तुमने उससे आके छीन लिया। जिसके बाद इससे समझ में आ रहा होता है कि अब इसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान होने नहीं वाली है। तब वो जो उसकी मॉम होती है वो हमेशा से चाहती कि इन दोनों की शादी हो जाए, तो इन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और वो उसे बोलता है कि ज़्यादा खुश मत होना ये सोच के कि तुम मेरे घर में आ गई हो, मेरे दिल में कभी आ नहीं सकती, समझी तुम। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और वो यह कह के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युकी भी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मेरी नज़र हमेशा तुम पे, मेरे भाई से दूर रहना, समझी। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये बैठ के सोचने लगती है कि आखिर मैं यहाँ पे सरवाइव कैसे करूँगी, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। जिसके बाद अब देखते हैं हम, दूसरा दिन हो गया है और ये तैयार हो रही है बैठ के आईने के सामने, थोड़ा सच सवर रही है। फिर ये रूम से निकलती है छुप के देखने के लिए कि क्या वो लोग चले गए हैं। तब ये उसके कमरे के पास जाती है और जाके सुनती है कि अभी भी है क्या इरियकुन, लेकिन वो अंदर से आवाज़ नहीं आता। तो वो नीचे उतरती है खुशी खुशी, लेकिन जब वह देखती है तो देखती है कि टेबल पर वो लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद ये जाती है और उसकी मम्मी टेस्टी टेस्टी टोस्ट लाती हैं, मक्खन लाती हैं और उसे देती हैं कि खा लो खा लो। फिर ये लोग खाने लगते हैं। जिस वक्त वो देखती है कि खाने के टाइम भी वो पढ़ाई कर रहा है, जिसके बाद वो सोचती है कि वाह इरियकुन कितना अमेजिंग है ना। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से जाने लगता है, तो उसकी मॉम बोलती है अरे तुम लोग दोनों एक ही स्कूल में जाते हो ना, इसे साथ ले जाओ। वो तो चला जाता है और उसके पीछे पीछे भाग के जाती है कि मैं भी जाऊँगी, रुको रुको। अभी ये बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली ऐसा दिन आ गया जब हम लोग साथ में स्कूल जा रहे हैं, और ये उसे सवाल पूछने लगती है। जिसके बाद वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बोलना है। जिसके बाद वो बोलती है अरे हाँ रुको मैं सुन रही हूँ, बताओ तो बात क्या है। जिसके बाद वो बोलता है देखो मुझसे तुम दूर रहना, और स्कूल में किसी को भी ये गलती से नहीं पता चलना चाहिए कि तुम और मैं एक घर में रहते हैं। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर शॉक भी हो जाती है, और वो यह कह के वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 2 के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक द वीडियो। बाय बाय।